वेलकम टू आयत स्टडी। हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेमी द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेमी, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखी है और माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड अपन को उसकी लेंथ पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। जैसे ये अपना सर्किल है, ये अपने कॉर्ड ए और बी है, इसकी लेंथ अपन को दे रखी है 20 सेमी। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपनी माइनर आर्क है, माइनर आर्क, और ये बड़ी वाली है, इसको हम मेजर बोलेंगे। ये लेंथ हमें पूछी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ सेंटर से हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। तो ये ओ पॉइंट है और ये है अपना थीटा, रेडियस 20 सेमी, ये अपना डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू 40 सेमी, तो रेडियस क्या होती है इसकी, हाफ, तो 20 सेमी। अब हम क्या लेंगे, लेट ए बी वी ए कॉर्ड लेंथ 20 सेमी इफ द सर्कल ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमारी रेडियस ऑफ सर्किल कितनी दे रखी है, 20 सेमी। आल्सो ए बी इक्वल टू 20 सेमी, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है, ये 20 सेमी। दिस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसमें क्या होता है कि सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड भी हमारी इक्वल होती हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 को हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 3 रेडियन। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। वी कैन नो दैट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर यूनिट इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट सबस्टेंड एन एंगल थीटा। अब हमारे पास, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब यहाँ से थीटा अपने पास क्या था, पाई बाई 3, ये निकाला था हमने, इक्वल टू एल कितनी है, ये अपनी लेंथ है, ये एल माइनर आर्क, तो ए बी ये माइनर आर्क अपॉन आर है 20। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, तो ए बी इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेमी, ये अपनी माइनर आर्क आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, दिस द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड इज 20/3 पाई सेमी, यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उस पर और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबस्टेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस।
अब अपन को इसमें रेडियस का रेशियो निकालना है, और इस दो सर्कल दे रखे हैं सेम लेंथ के, लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स बी आर वन एंड आर टू एन आर्क ऑफ लेंथ एल एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल ऑफ रेडियस आर वन वाइल लेट एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस आर टू। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। 60 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई अपॉन 3 रेडियन। 75 डिग्री को हम 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो हम आगे कैसे सोल्व करेंगे? वी कैन नो डैट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर यूनिट इफ एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट, और थीटा एंगल लेंगे हम। सबस्टेंस एन एंगल थीटा, ये ले लिया हमने। तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हम एल इक्वल टू रेडियस हमारी आर वन लेंगे फर्स्ट के लिए। तो इसमें थीटा क्या है? पाई अपॉन 3 ये रेड, और सेकंड हम लेंथ लेंगे आर टू के लिए, तो आर टू 5 अपॉन 12। अब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। तो आर वन पाई अपॉन 3 इक्वल आर टू अपॉन 5 पाई अपॉन 12। अब इस पाई से पाई कैंसिल आउट, इस 3 से ये 4 टाइम, ये आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू 5 अपॉन 4, ये अपना रेशियो आ गया। तो यही पूछा था हमसे, तो हम क्या लिखेंगे? दिस द रेशियो ऑफ द रेडियस इज 5:4। अब इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं गाइज। ये लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है इसमें, इसलिए आपको लिख के बताया है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं, 7 नंबर पे। तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेमी एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। ये दे रखी है अपन को 10 सेमी, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें एक पेंडुलम है, वो दो पॉइंट्स के बीच में मूवमेंट कर रहा है, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो अपन को निकालना है। और उसकी लेंथ दे रखी है अपन को 75, और टिप से आर्क दे रखी है अपने को 10 सेमी। तो हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर टू 75, एल इक्वल टू 10 सेमी। अब इसमें आगे कैसे सोल्व करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे थीटा इक्वल टू एल अपना 10 अपॉन 75। अब इसको अपन 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 टाइम, और ये होगा 15 टाइम, और 2 अपॉन 15 रेडियन, यही पूछा था हमसे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है,
जो लेंथ अपन को दे रखी है 15 सेमी। अब इसके लिए निकालेंगे हम, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, आर है 75 सेमी, एल है 15 सेमी, हम रखेंगे तो थीटा इक्वल टू 15/75 रेडियन। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/5 रेडियन, यही अपन को निकालना था एंगल। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, इसकी लेंथ अपन को दे रखी है 21 सेमी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल अपने को दे रखे 21 सेमी, आर 75 सेमी, थीटा इक्वल टू 21/75। अब इसको 3 से अपन कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो 25 टाइम और ये 7 टाइम, तो 7/25 रेडियन। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।